दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस लैपटॉप के बारे में, जो कि ये डेल का लैपटॉप है। आपने देखा होगा, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैं सब इसी में इंस्टॉल करता हूं। ये है लैटिट्यूड E5470। ये i5 6th generation का लैपटॉप है और ये मैंने सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड खरीदा हुआ है। तो क्या ये मेरे को फायदे की डील मिली या नहीं मिली, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका रिफर्बिश्ड प्राइस लगभग 15,000 रुपये या 14,000 रुपये है, ये इतने में आपको मिल जाएगा। तो इसके स्पेक्स की बात करते हैं और क्यों मैंने ये लिया, क्या पर्पस है इसका और कौन लोग ऐसे लैपटॉप्स को खरीद सकते हैं, ये कहां से आते हैं और इनके नुकसान फायदे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ। कहां से आते हैं तो मैं आपको बता दूँ, दो जरिए हैं ऐसे लैपटॉप आने। पहले, ऐसे ऑफिस जहां पर कंपनियां जिनकी बंद हो गई, कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके जो फर्नीचर्स होते हैं, उनके जो लैपटॉप्स होते हैं, वो बेच दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं और उन्हें जो डीलर्स वगैरह वो खरीद लेते हैं, उन्हें रिफर्बिश्ड करते हैं और उन्हें बेच देते हैं। दूसरा, ये बाहर की कंट्रीज से आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर टेक बहुत ही जल्दी ही रिटायर कर दिए जाते हैं। आपको मालूम होगा ऐसे अमीर देश भी हैं जहाँ पर लोग एक जो आईफोन आ जाता है नया, तो पुराने वाले को रिटायर कर देते हैं, बेच देते हैं या अपने ड्रॉअर में उनका पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, जबकि एक साल में एक आईफोन का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं, वो क्या करते हैं, लैपटॉप्स को बेच देते हैं, बल्क में लोग ले जाते हैं और ऐसी कंट्रीज में बेचते हैं जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, जो सही कीमत जानते हैं। भारत भी उन देशों में से है जहाँ पर ऐसे लैपटॉप बाहर से भी आते हैं। तो ये रिफर्बिश्ड होते हैं और इनके जो सारी प्रॉब्लम वगैरह होती है, अगर कुछ इसमें होती है, कॉस्मेटिक डेंट्स या स्क्रैचेस होते हैं, वो फिक्स कर दिए जाते हैं। इसको फास्ट बनाने के लिए, अब देखो ये जो लैपटॉप है ये एक बजट लैपटॉप, ठीक है, i5 है, 6th generation है, काफ़ी ही पुराना हो सकता है ये, शायद 2016-2015 के आसपास निकला था, पता नहीं। तो इसमें हार्ड डिस्क लग के आती है, तो वो क्या होता है, हार्ड डिस्क स्लो होती है SSD के और M.2 और इसमें लगाने के इसमें है, तो वो वाले लोग जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी हार्ड डिस्क निकाल देते हैं, SSD लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि लैपटॉप इतना फास्ट हो जाता है, बूट फास्ट होता है, एकदम मक्खन चलता है। लेकिन ये लोग SSD ऐसी लगाते हैं जो कि कम साइज़ की हो, तो सस्ती आए, क्योंकि हमें तो बस विंडोज़ लोड करनी है और लोगों को दे देना है। अब वो विंडोज़ लोड तो आपकी यार 20 GB हार्ड डिस्क में या 20 GB SSD में भी आराम से हो जाएगी, बाकी इसमें अपना पेन ड्राइव लगाओ या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखो या आपका हेडेक है। बट मेरे हिसाब से फिर भी ये बहुत अच्छी डील है। देखो किस हालत में है ये, यहाँ पर देखो इसको ओके करने की डेट लिखी है 27/3/2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और हालत आप देखो इसकी कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है। अब वो तो मैंने थोड़ी बुरी कर दी है, बट जिस शॉप से मैं लाया था उसने तो पूरा एकदम इसको नया करके रखा था। ये इतना मुड़ जाता है, देखो इतना मुड़ जाता है, पूरा ऐसे योगा वाला जो आते हैं वो नहीं है, ये इतना मुड़ जाता है और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो आप क्या ही मुड़ोगे। इसकी थिकनेस की बात करें तो देखो काफ़ी पतला है ये, क्योंकि इसमें जो CD ड्राइव है, जो DVD ड्राइव है, वो नहीं है। आप देख सकते हो जो नॉर्मल लैपटॉप्स आते हैं इतना 14-15 इंच का है ये, और इतना पतला है देखो, ठीक है। इसमें SD कार्ड लगने का है, USB के हाई स्पीड कितने पोर्ट हैं इसमें, 1, 2, 3 USB के हाई स्पीड पोर्ट हैं, ईथरनेट पोर्ट है, VGA देखने को मिला है, सिम लगाने का भी है शायद इसमें, HDMI भी है और चार्ज होता है। इसकी बैटरी तो दोस्तों इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी इसी से काम चलाओ और बाद में मिल जाएगी आप, ऐसी बात नहीं है, दूसरी बैटरी इसमें आप लगा सकते हो। अभी मेरे को ये बैकअप पावर सेविंग मोड पे 3-3.5-4 घंटे का देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरे खरीदने की क्या वजह, मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, राइट। अब मैं अपने मेन लैपटॉप में अलग अलग OS डालता रहूँगा तो भाई फिर उसमें काम कैसे कर पाऊँगा। सो मैंने उसी चीज़ के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए, डुअल बूट मैंने सिखाया लोगों को, मैंने क्रोम OS डाल के देखा इसमें, और मतलब ये कभी नहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहता नहीं है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बेचारा झेलता ही रहता है, पता नहीं इसमें और कितने नए नए तरीके के मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डालूंगा। बात करें गेमिंग की तो 15-14 हज़ार में आपको ऐसा लैपटॉप नहीं मिलेगा जिसमें आप नाउ GTA 5 खेल पाओ, बट हाँ जो नॉर्मल लो एंड के गेम होते हैं, मतलब 2010 तक वाले जो गेम है, तो इसमें मक्खन चलेंगे और बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी। बात करें GTA 5 की तो GTA 5 शायद चल जाएगा इसमें, मैं कह रहा हूँ शायद। अगर आपके पास भी ऐसा लैपटॉप है जो 2015-16 के आसपास है, तो
आप मानोगे नहीं, GTA 5 की लो सेटिंग कर लो तो चल जाएगा। GTA 5 गेम 2012-13 में आया था, काफी पुराना हो चुका है, तो इतना भी वो लेटेस्ट गेम नहीं है कि उसके लिए भाई बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोअर सेटिंग पे वो चल जाता है। किन लोगों को ये लेना चाहिए? जो लोग क्रोम बुक खरीदते हैं, अब जो लोग क्रोम बुक खरीदते हैं ना, तो वो ये जो लैपटॉप है वो उससे कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक विंडोज लैपटॉप है और इसमें ज्यादा आप काम कर सकते हो। क्रोम ओएस के साथ लिमिटेशन ये होती है कि जो एप्लीकेशन और जो सारी चीजें आती हैं वो भाई गूगल की आती है और बाउंडेशन है उसमें, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई नहीं है, वंची डाल सकते हो आप। विंडोज तो डली ही हुई है इसमें, आप और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका आप नाम ले सकते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। इसकी स्क्रीन बहुत प्यारी है, मेरे हिसाब से HD स्क्रीन होगी इसकी, बहुत बढ़िया है, एकदम क्लीन नीट। तो एक क्रोम बुक लेने से अच्छा एक रिफर्बिश्ड विंडोज लैपटॉप होता है, बिकता है हमेशा से। जो लोगों का बजट ज्यादा नहीं है, पढ़ाई के लिए चाहिए, बजट उतना नहीं है, उन लोगों के लिए भी ऐसे लैपटॉप अच्छे होते हैं 12-15-13-14 हज़ार तक। इनकी खास बात ये होती है कि ये रिफर्बिश तक पहुंचे हैं, मतलब ये अच्छे क्वालिटी के लैपटॉप। ज़्यादातर आपको इसमें लिनोवो के थिंक पैड मिलते हैं, वो मोटे होते हैं, वो मतलब वो ऐसा लैपटॉप है जो कॉस्मिक रेज भी झेल कर आ चुका है। आपको मालूम होगा वो मोटे मोटे जो लैपटॉप मेरे पास दो हैं, T410 है और T430 है मेरे पास, मोटे मोटे आते हैं वो, रिफर्बिश बहुत मिलते हैं, 12,000 से शुरू हो जाते हैं वो इतने मतलब रगेड लैपटॉप होते हैं कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, उनका हर एक पार्ट में जाता है। जो चीज़ सेकेंड हैंड थर्ड हैंड मिल रही होती है ना, उसकी एक खास बात ये होती है कि उसके पार्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा रगेड और धांसू होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत फ्रेजाइल होते हैं वो मतलब सेकेंड हैंड बिकने तक उनकी बारी नहीं आती। ये सेम चीज़ गाड़ियों में भी बहुत देखने को मिलती है और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलती है, रेडमी के फोन सेकेंड हैंड इतने जल्दी नहीं मिलते, मतलब इतने अच्छे नहीं मिलते कि एप्पल के मिल जाते हैं, सैमसंग के मिल जाते हैं, और कोई वजह है। तो मेरी राय में ये स्टूडेंट्स को, लो बजट वाले गेमर्स को, ऑफिस के वर्कर्स को, या मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों को इस तरह के लैपटॉप खरीद लेने चाहिए 12-15 हज़ार में, ये देखते हुए कि अगर आप इनको नया खरीदो तो ये 27,000, 30,000, 35,000, 40,000 से शुरू होते हैं और 3-4 साल पुराने लैपटॉप का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर उस पर हार्ड डिस्क लग रही है तो आप SSD लगा लो, बहुत फास्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। जैसे मैं इसमें गूगल क्रोम खोलना चाहूँ तो मैंने देखो गूगल क्रोम पर टैप किया और गूगल क्रोम खुल गया, मुझे नहीं लगता ये बेकार स्पीड है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी स्पीड है, हीट नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं दोबारा बता दूँ इसका मॉडल E5470 लैटिट्यूड, डेल लैटिट्यूड E5470 2016 के आसपास आया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा जो सेकेंड हैंड लैपटॉप है मैंने क्यों खरीदा, मैं क्यों इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्या वजह है। मेरे पास नए लैपटॉप भी हैं बट फिर भी मैंने ये ऐसे यूज़ करने के लिए रख रखा है, रिसर्च वगैरह भी करता हूँ इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसका लिंक वगैरह तो मैं कुछ नहीं दूंगा। आप जहाँ भी लोकल स्टोर से ऑनलाइन भी लोग रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, एथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।